हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं इसके 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। इसके 4 पार्ट्स के अंदर लगभग ये सारा चैप्टर हमारा कवर ही हो चुका है। मैंने आपको बता दिया आर्थिक नियोजन क्या होता है, अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्या इतिहास रहा है, और उसके बाद हमने लास्ट में समझा था भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य मुद्दे यानी कि मुख्य लक्ष्य क्या रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर 2017 तक भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर काम करा। पहली पंचवर्षीय योजना जो भारत में अपनाई गई थी वो 1951 में अपनाई गई थी, 1951 में, और उसके बाद 2017 में हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंत हुआ। 2017 तक भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर काम करा, उसके बाद नीति आयोग आ गया, तो उसके बाद हमारी योजना बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं पर इतने दिन तक काम करा, तो क्या इतने दिन तक हमने जो पंचवर्षीय योजनाओं पर काम करा तो उसका कुछ रिजल्ट भी निकला या नहीं निकला? देखो, रिजल्ट तो निकला है। आप ऐसे ही इस चीज को महसूस कर सकते हो कि 1951 में कितनी बुरी स्थिति में था हमारा कृषि क्षेत्र, उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ा, औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई, भारत के विदेशी व्यापार में काफ़ी सुधार आया, जनान के रूपरेखा के अंदर सुधार आया। तो कुल मिलाकर इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हमारे को पढ़ना है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का ये हमारा है पार्ट नंबर 5 और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियाँ पढ़नी है। तो यहाँ पर आप देखना, टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजनाओं की क्या क्या उपलब्धि है। सबसे पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। जब देश आजाद हुआ था तो लोगों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि 0.5% वार्षिक दर से बढ़ रहा था, जो कि अब 5.8% 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देखा गया कि भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष 5.8% की दर वृद्धि से बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरा क्या हुआ, कृषि में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। कृषि में आपको पता ही होगा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उत्पादन भी बहुत कम, उत्पादकता भी बहुत कम। पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था पंचवर्षीय योजनाओं में काफ़ी सारे सुधार करे गए। ठीक है, जिसमें सबसे अहम सुधार रहे दो, वो हमारे क्या रहे, भूमि सुधार देश के अंदर किया गया, तकनीकी सुधार कृषि क्षेत्र में किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र का उत्पादन और उत्पादकता तेजी से वृद्धि हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे है, उद्योगों का विकास किया गया और विविधीकरण। एक होता है उद्योगों का विकास और एक होता है विविधीकरण। विकास का मतलब जो उद्योग थे उसको बढ़ाया गया, और विविधीकरण का मतलब उससे जुड़े हुए और भी उद्योग भारत के अंदर पैदा किए गए। ठीक है, तो भारत में उद्योग तो आपको पता ही है 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो ना के बराबर था। आज भारत में ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है, भले वो कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई उद्योग भारत में कम हो, लेकिन वो उद्योग है जरूर। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज का उद्योग आज भारत के अंदर मौजूद है, और ये सब हो पाया है पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से। पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमने प्लानिंग्स अपनाई, जो हमने योजनाएं अपनाई, जो हमने तरीके अपनाए, उससे हमारे देश में उद्योगों का विकास भी हुआ और उद्योगों का विविधीकरण, विविधीकरण का मतलब होता है उससे जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग हमारे देश में आए। पंचवर्षीय योजनाओं में आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योगों को बड़ा धक्का लगा, यानी कि पूंजीगत उद्योग बहुत तेजी से हमारे देश में बने, जिसमें मशीन प्लांट ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग के क्षेत्र में भी देश में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। 1990 के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरती हुई अर्थव्यवस्था की मान्यता प्राप्त की। 1990 के अंत में भारत को एक दुनिया की एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में देखा जाने लगा, उभरती हुई अर्थव्यवस्था यानी जो ग्रो कर रही है देश के अंदर। तो क्या पता चला कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से उद्योगों का विकास हुआ, विविधीकरण, जिसके अंदर हमने पूंजीगत, जिसमें हमने पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाया, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को बढ़ाया, और 1990 तक भारत के उद्योगों की वजह से भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था की मान्यता भी मिल गई। ठीक है, तो तीन बातें हमने यहाँ पर समझ ली। पंचवर्षीय योजनाओं का अगला हमारी उपलब्धि है आर्थिक आधारित संरचना में देश के विकास होना। देश के अंदर बैंक बने, देश के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आए, देश के अंदर सड़कें, पुल, भवन, सबका निर्माण देश के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी से हुआ। हॉस्पिटल हो गए, कॉलेज हो गए, सबका निर्माण बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने इंडियन रेलवे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक आधारित संरचना में वृद्धि। सामाजिक आधारित संरचना में वृद्धि का मतलब देश के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ गई, देश के अंदर स्वस्थ लोगों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ गई, देश के जनान के रूपरेखा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार आया, मृत्यु दर काफ़ी कम हो गया, जन्म दर के अंदर भी वृद्धि को कम नापा गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था 1947 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ देशों तक सीमित था और मुख्य जो था वो इंग्लैंड के साथ हमारा मेन व्यापार था, ठीक है। लेकिन आज भारत उन 190 देशों के साथ लगभग व्यापार करता है। तो आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस मुकाम पर पहुंचा है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा भारत सिर्फ अपने कच्चे माल को बेचा करता था, लेकिन आज भारत इंजीनियरिंग वस्तु है यानी कि तैयार वस्तुओं को विदेशों में ले जाकर बेचता है, ठीक है। तो ये बदलाव आए हैं, किस वजह से आए हैं? पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से ये बदलाव आए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता। देखो, भारत के अंदर 12 पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई और पंचवर्षीय योजनाओं का अंत हुआ 2017 के अंदर, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं में हम उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। देखो, मैं मानता हूं कि देश के अंदर गरीबी बहुत बड़े लेवल पे कम करी पंचवर्षीय योजनाओं में, हमने ऐसी योजनाएं अपनाई, देश में उद्योगों को हमने बहुत आगे बढ़ाया, देश में हमने कृषि क्षेत्रों को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन आज भी हम अपने कृषि क्षेत्र को जब देश के बहुत ही विकसित देशों के साथ मुकाबला करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह जाते हैं। हम अपने देश के उद्योगों को जब आज भी यूरोप के बहुत सारे देशों से उसका मुकाबला करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं में सफलता भी बहुत मिली, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रह गई। अब वो रह क्या गई मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर की बात इसमें बताई जा रही है कि हम निर्धनता को हटाने में विफल रहे। आज भी भारत की 20% से ज़्यादा आबादी निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। निर्धनता रेखा मतलब कि आज भी 20% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत को आज भी पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। इतनी पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी हम मुद्रास्फीति के उच्चतर को हटाने में आज भी विफल रहे हैं। देश के अंदर तेजी से महंगाई दर बढ़ती जा रही है। महंगाई दर मुद्रास्फीति जिसे हम कहते हैं, इस साल कोई सामान 100 रुपए का, अगले साल 110 रुपए का हो जाता है, फिर 120 का, फिर 130 का, ठीक है। तो अभी तुम देख रहे हो खाने पीने की चीजें, हर चीज कितनी तेजी से महंगी होती जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं में हमने बहुत सारी योजनाएं अपनाई, लेकिन भारत में इस बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में थोड़े से असफल रहे। हम बेरोजगारी के संकट को हटाने में भी विफल रहे। देश में बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, इतनी पंचवर्षीय योजना हमने अपना ली, ठीक है। बेरोजगारी के मुद्दे पर तो आजकल आपको पता है कि चुनाव भी लड़े जा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर ही सारा चुनाव हो रहा है। कोई बोल रहा है 10 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, कोई 10 लाख रोजगार देता है, लेकिन फिर इलेक्शन जीतने के बाद कुछ होता ही नहीं है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत, हमने बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी का मुद्दा अपनाया। हालांकि ये नहीं कह रहे कि बेरोजगारी बिल्कुल खत्म नहीं हुई, बेरोजगारी बहुत कम हुई, उद्योगों की स्थापना हुई देश के अंदर, सेवा क्षेत्र इतना आगे बढ़ा तो रोजगार मिला, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से आज भी हम बेरोजगारी को पूरी तरीके से हटा नहीं पाए। हम विकास की प्रक्रिया में गति लाने के लिए आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक आधारिक संरचना को उत्पन्न करने में विफल रहे हैं। आज भी हम अपने विकास को इतना तेज नहीं कर पाए। आज भी हम जो विकास करने के लिए जो हमारे को आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना चाहिए, वो आधारिक और सामाजिक संरचना आज भी हमारे पास बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो ये कुछ पंचवर्षीय योजनाओं की विफलताएं थी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया कि पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां भारत के अंदर क्या क्या थी। तो आज की क्लास के हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताएं और विफलताएं, ठीक है। अगली क्लास के अंदर एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।